आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। काफी गुटों में समाजवादी पार्टी बढ़ गई है, लगभग लगभग जितने प्रत्याशी आपके एक ही पार्टी के निकल के आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको नुकसान नहीं लग रहा है? देखिए, गुट नहीं, कहीं दल है, दल में तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। हर आदमी अपने अपने स्तर से राजनीति करता, अपने अपने स्तर से मेहनत करता है। जो भी आवेदक हैं, कुछ आवेदकों ने कार्यालय भी खोले हैं कि कम से कम कार्यकर्ता बैठे वहाँ पर, चर्चा हो, एक स्थान हो जहाँ से लोग इकट्ठा होकर के निकल के जाएं एक समूह के रूप में जनता के बीच में। आज चाहे हमारी महिला सभा हो, चाहे यूथ के लोग हों, सभी लोग मेन संगठन के लोग हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी हम सब लोगों ने पूरे क्षेत्र में मेहनत की। जो ज़रूरतें थीं, दवा अगर किसी को ज़रूरत थी तो दवा का इंतज़ाम किया गया, जहाँ पर राशन की ज़रूरत थी तो राशन का भी इंतज़ाम किया गया, जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो सामर्थ्य अनुसार जो हमारे कार्यकर्ता नेता हम लोग कर सकते थे वो हम लोगों ने करने की पूरा प्रयास किया कि जनता को संतुष्ट, मगर सरकार से कोई संतुष्टि आम आदमी को नहीं मिली, क्योंकि ना उनको इलाज मिल पाया समय पे, इलाज ना मिलने की वजह तमाम डेथ हो गई। जो पुरानी बीमारियों से भी जो ग्रसित लोग थे उनको भी इलाज नहीं मिल पाया कोरोना महामारी में, तो तमाम बहुत सारी परेशानियाँ लोगों को जो है झेलनी पड़ी। बताइए कि पश्चिम विधानसभा की ऐसी कौन सी मूलभूत समस्याएं जिनसे आप अवगत हैं, वो काफ़ी क्रिटिकल आपको लग रहा है और आने के बाद उसको दूर करना चाहेंगे? देखिए, जैसे जल निकासी भी एक बड़ी समस्या है, जल निकासी के लिए तमाम नाले बनाने की ज़रूरत है। तमाम आज भी रोडें ऐसी हैं जो कच्ची हैं। किसी प्रकार की जनता से जनसंपर्क के दौरान जो शिकायतें मिली हैं आपको? शिकायतें तो इस समय सबसे बड़ी जो समस्या लोगों के आगे आ गई है, जो सरकार ने पैदा कर दी है, कि हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, लोगों को एक एक लाख का बिल थमा दिया गया, जो शुरू से कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया कि शुरू से ही अगर उनको हर वर्ष का देते तो शायद ये दिक्कत ना आती। अब नगर निगम ने और जल निगम, जल संस्थान ने लोगों को 50,000 एक एक लाख का बिल थमा दिया है, जिस पर कम से कम 1,00,000 पे 50,000 ब्याज लगा हुआ है। आज कोरोना महामारी से ऐसे लोग बेरोजगार हो गए हैं, खाने को नहीं है, तमाम परेशानियों का सामना कर रहे हैं, एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं। और नगर निगम जो है, जो सरकारी महकमों पे, कम से कम हमारी जानकारी, क्योंकि मैं नगर निगम का पार्षद हूँ, कम से कम 300 करोड़ रुपया सरकारी महकमों पे बाकी है नगर निगम का, हाउस टैक्स के रूप में, वाटर टैक्स के रूप में, वहाँ नहीं ले पा रहे, वहाँ ताले सीज नहीं कर रहे हैं, मगर आम आदमी के घरों के ताले लगाए जा रहे हैं कि अगर आपने टैक्स नहीं जमा किया तो आपके घर पर ताला लग जाएगा, ताला सीज कर दिया है, जिस पर कम से कम 1,00,000 पे 50,000 ब्याज लगा हुआ है। आज कोरोना महामारी से ऐसे लोग बेरोजगार हो गए हैं, खाने को नहीं है, तमाम परेशानियों का सामना कर रहे हैं, एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं। और नगर निगम जो है, जो सरकारी महकमों पे, कम से कम हमारी जानकारी, क्योंकि मैं नगर निगम का पार्षद हूँ, कम से कम 300 करोड़ रुपया सरकारी महकमों पे बाकी है नगर निगम का, हाउस टैक्स के रूप में, वाटर टैक्स के रूप में, वहाँ नहीं ले पा रहे, वहाँ ताले सीज नहीं कर रहे हैं, मगर आम आदमी के घरों के ताले लगाए जा रहे हैं कि अगर आपने टैक्स नहीं जमा किया तो आपके घर पे ताला लग जाएगा, ताला सीज कर दिया जाएगा। आज मानसिक रूप से तमाम लोग परेशान हैं, टेंशन में हैं, खाना ना होने पे, इलाज ना होने पे, पैसा ना होने पे, तमाम लोग आज चौक की एक घटना आपको बताएं भी, एक हफ्ते पूर्व एक रस्तोगी परिवार में बच्ची का इलाज ना होने के कारण बच्ची की डेथ हो गई। उसके बाद हालात और ख़राब हुए, घर में खाने तक का नहीं था, तो पति पत्नी दोनों लोगों ने जो है जहर खा लिया। भाजपा सरकार को आप अगर 10 में से नंबर देना है तो कितने आप देंगे? राजकुमार राजा जी, कितने नंबर देना चाहिए? देखिए, नंबर तो की जो बात है, ये तो जनता समझा 22 में उनको नंबर क्या मिलेगा वो सामने होगा, और आप लोग भी समझ रहे हैं क्या हालात हैं, क्या माहौल है। आज जनता बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुकी है। आपकी पार्टी किस विचारधारा के साथ इस चुनाव को लड़ रही है? हमारी पार्टी ने हमेशा महिलाओं के लिए, आम आदमी के लिए काम किया, चाहे हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे युवा नेता हमारे माननीय अखिलेश यादव जी रहे हों।
आज कोरोना महामारी में इस दौर में इतना बड़ा जो दौर था जो पूरे विश्व में कोरोना महामारी का एक बड़ा रूप लिए हुआ था, जो आज हाहाकार पूरे विश्व में मचा हुआ था, घर परिवार में एक एक ने दो दो तीन तीन मौतें हो रही थी, उनको कोई देखने वाला ना, उनको समय पर इलाज मिल रहा था, मगर हमारे नेता ने जब भी हमारे नेता रहे उन्होंने एक रुपए का पर्चा अस्पताल में कर दिया था कि एक रुपए के पर्चे पे इलाज लोगों को मिले, मगर आज एक रुपए के पर्चे पे इलाज योगी सरकार में नहीं मिला, 50 रुपए दे करके पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है उसके बाद इलाज मिलता है सरकारी अस्पतालों में, आज हर उसकी जाँच का पैसा सरकारी अस्पतालों में पड़ता है। और हमारे नेता ने लोहिया हॉस्पिटल, लोक बंधु हॉस्पिटल, टीबी हॉस्पिटल को जनरल वार्ड करने का काम किया, एरा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, तमाम तरह के मतलब इस तरीके की लो आम आदमी को जो ज़रूरत थी, जो आम एक गरीब आदमी जो इलाज करा सके, इसलिए उन्होंने अस्पतालों को बनाने का काम किया। मगर मोदी जी का दूसरा कार्यकाल और योगी जी का 5 साल का कार्य में लगे हैं, उसी दिशा में हम भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार पार्टी का कर रहे हैं, और लोगों से तमाम जो महामारी आई कोरोना महामारी के दौरान जो तमाम परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है या चल रहा है, जो हालात हैं वो हालात बहुत ख़राब हैं प्रदेश के और देश के। आज महंगाई कहां से कहां जा रही है, आज आदमी रोजी रोटी की तलाश में घूम रहा है, आज रोज़गार नहीं है, जिसके पास रोज़गार था रोज़गार छिन गए, आज खाने पीने तक की समस्या लोगों के आगे खड़ी है, आज सरकार इस पर कोई भी विचार नहीं कर रही, आए दिन डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से बड़ी ही समस्याओं का सामना आम आदमी कर रहा है। तो ये बताइए कि आपकी पश्चिमी विधानसभा में ही नहीं बल्कि कई विधानसभाओं में देखा जा रहा है, चूँकि आप पश्चिम से हैं, कि जल भराव की समस्याएँ, सीवर की समस्याएँ, नालियों की समस्याएँ काफ़ी मात्रा में, और बिजली के तार जो है खंभे बिल्कुल लटक रहे हैं, तो ये समस्याएं जो है कैसे आप दूर करेंगे, मतलब अगर सरकार आती है तो आपकी क्या रणनीति होगी? देखिए, तमाम जगह जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, सरकार ने कोई भी विकास का कार्य नहीं किया 5 साल के अंदर, ही आप सब लोगों को मालूम है, आम जनता भी जानती है, जल निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए, नाले बना करके तमाम और तरह से, तो वो जल निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण जल भराव बना रहता है। बिजली के जो तार हैं तमाम जगह पोल लगे हुए हैं, मगर वहाँ पर लाइट तक नहीं पहुँच पाई है, और लोग दूर दूर से तार खींच के लाए हैं, जो कि खतरा लोगों के लिए बना हुआ है, तमाम जगह हादसे हो जाते हैं, तो बिजली विभाग की भी कमी है, क्योंकि संसाधन या जो भी वजह रहे हो, सरकार ने उनको बजट ना देने के कारण या जिन वजहों से भी वो कार्य ना हो पा रहे हो, इस वजह से तार काफ़ी जगह, ये बात सही है कि लटके हुए हैं और लोग हादसा होने का अंदेशा रहता है। आपका बूथ बूथ पर जो एक कहावत है कि जो बूथ की वो बूथ बूथ की बात करेगा वो राज करेगा, आपका बूथ बूथ पर कैसा जो है अभियान चल रहा है, किस तरह के संपर्क चल रहे हैं जिस पर आप सफल होने के लिए अपना जो है काम कर रहे हैं? देखिए, समाजवादी के लोग हर वक्त 24 घंटे एक्टिव रहते हैं, कभी भी कुछ होता है तो हर वक्त जनता के लिए आम आदमी के लिए खड़े रहते हैं, तो हर बूथ पे माननीय अखिलेश यादव जी का नौजवान जो भी कार्यकर्ता हर वक्त खड़ा हुआ है, हर बूथ पे मेहनत हो रही है, हर बूथ पे देखा जा रहा है कि किन लोगों को किन परेशानियों का सामना है, अगर सामर्थ्य अनुसार पार्टी के लोग हम सब लोग जो कर सकते हैं वो कोशिश हम लोगों की जारी है।